अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल विद नश्वा। अच्छा, मैंने एक दिन भी ना पता क्या किया था, लाइफस्टाइल टू बोलना था, लाइफस्टाइल विद बोलना था, मैंने डू बोल दिया। हाँ, लेकिन लाइफस्टाइल टू नश्वा, मैंने लाइफस्टाइल टू नश्वा नहीं, लाइफस्टाइल विद नश्वा। और आप लोग सोचोगे मैं किससे बात कर रही हूँ, तो ये देखिए मैं आई हुई हूँ अपनी सिस्टर की तरफ। हेलो। और आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, आज मेरा कहते हैं ना किसी किसी दिन आपका दिल करता है कि आपका ससुराल में रहने को दिल नहीं चाह रहा होता तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना मतलब कहीं जाऊँ। अम्मी का घर दूर था तो मैंने कहा चलो ये पास रहती है तो इसके पास जाती हूँ ना आज। मेरी बर्थडे और हाँ, और आज इसकी बर्थडे भी है और आप सब लोग कमेंट बॉक्स में इसको विश कीजिएगा। और तो मैंने कहा चलो मैं इधर आती हूँ। और मैंने कहा क्यों ना व्लॉग भी मैं स्टार्ट करूँ, नया व्लॉग। अभी एक व्लॉग मेरा लगाना है वाला रहता है, वो भी एडिट भी नहीं किया, वो भी मैं एडिट कर लूँगी फ्री होकर। तो अभी जस्ट आयरा सोई थी, फिर चाय वगैरह पी, टी टाइम किया और मैंने वो कुछ शूट नहीं किया पहले। अभी जस्ट मोबाइल उठाया है शूट करने के लिए, इससे पहले मेरा फोटो शूट हुआ है हाँ, और इससे पहले मैं इसकी पिक्चर्स ले रही थी, इसकी बर्थडे है तो मैंने कहा था तुम्हारी बर्थडे पिक्चर्स ले लेती हूँ। बाकी जो बात नहीं आए वो रात को आएंगे वो लेने के लिए मुझे। तो अभी बस कुछ नहीं, फिर आगे जो जो होता है, जो शूट करने वाला हुआ वो मैं फिर आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और इसको भी व्लॉग में आने का बहुत शौक है आज और क्या कहते हैं बस है ना। यस, बाय बाय आयरा जो देखा, मैं अपनी तरफ से बड़ा क्लिप बनाना चाहा कि मैं आड़ू खाते हुए क्लिप बनाती हूँ शुगर के, चलो व्लॉग मेरा साथ साथ चलता रहे, कंटिन्यू तरह। इतना खट्टा लेकिन मज़े का आया जब मैंने पूरा, क्योंकि वो एक फर्स्ट बाइट थी ना, वो इतना खट्टा लगा, इतना गंदा मुंह बना है मेरा। मैंने अपना क्लिप देखा है अभी जो, मैं इतना गंदा बना है लेकिन मज़े का है। तो मैं अब ये इन्जॉय कर रही हूँ, इसके बाद मेरा 7:15 हो गया, अब मैं रखूँगी आयरा के लिए खाना, उसको खाना खिलाना है, उसे कपड़े भी चेंज करने, से कपड़े भी अपने बहुत गंदे कर लिए हैं। मैंने कहा चलो अभी कर ले गंदे, खैर एक ही बार भी मैं इसको चेंज करती हूँ जी। तो मेरे पास था यहाँ पे आज बहुत टाइम और मैंने सोचा कि मैंने टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड नहीं किया बहुत दिनों से, तो मुझे टिकटॉक वीडियोस और अपने लिए रील्स बना लेनी चाहिए अपलोड करने के लिए। तो बस ये मैं वही सब कर रही थी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अभी जब आज आने वाले हैं और मैंने रेडी नहीं, मुझे लगता है हर टाइम ये बोलती रहती है बस ना, मेरे ख्याल से खुद पे तो हो जाए। तो अभी मैं मैंने जब बाल शाल खोले हुए थे तो मैं आज बिल्कुल फ्री बैठी हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना वो इसको शो नहीं करवाना, आयरा को वो टेबल लगा थोड़ा सा पर उसको शो नहीं करवाना कि कुछ हुआ है वरना रोने लग जाएगी। तो मैंने सारी वीडियोस वगैरह बना ली, टिकटॉक वीडियोस, इंस्टा रील भी अपलोड की है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आयरा, कोई बात नहीं, गुड गर्ल। तो आज जो मेरे पास तो अब जब आदमी निकल आए हुए हैं, अब वो आएंगे फिर मैं शूट करती हूँ और फिर देखते हैं। तो अभी मैं बाहर अंदर से निकल के बस बाहर आके ऐसे बैठ गई हूँ, कुछ है ही नहीं करने के लिए। और आज जो करने के लिए था, जो बहुत इतने दिनों से, इतने अरसे से बल्कि सोच रही थी कि मेरे पास कुछ पोस्ट करने के लिए होता ही नहीं था, क्योंकि मैं स्पेशल ना पिक्चर्स लेती थी मैं स्पेशल और ना मैं वीडियोस बनाती थी। क्योंकि आपको मतलब अगर आप रूटीन में कहीं जा रहे हो, कहीं कोई एक्टिविटी आपकी चल रही है डेली बेसिस पे, फिर तो आपका कॉन्टेंट जो होता है वो चाहे यूट्यूब का हो, इंस्टा का हो, टिकटॉक का हो, वो निकल आता है। स्पेशल के लिए आपको मेहनत है, एफर्ट पुट करनी पड़ती है। बस मेरी जान सो जब आ गए हैं, आंधी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं जा रही हूँ नीचे दरवाज़ा खोलने के लिए। मुझे
तो वो ये आते हुए जवाद मेरी बहन के लिए लाए थे उसकी बर्थडे के लिए केक, और जवाद का मूड इसलिए ऑफ था क्योंकि रास्ते में हो गई थी गाड़ी बंद और बहुत ज़्यादा आंधी थी और उनको डस्ट एलर्जी है, तो उस वजह से उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से उनका मूड थोड़ा ऑफ था। लेकिन खैर आए, वो फ्रेश हुए और उनका मूड सेट हो गया। फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने केक कटिंग की, चाय पी, और उसके बाद के हम लोग बैठे हुए थे। Happy birthday to you. Happy birthday to Raji. Happy birthday. तो केक कटिंग हम लोगों ने कर ली थी और अब तकरीबन 12 बज गए हैं और हम लोग निकल गए हैं, और काफ़ी देर से रात कोई 8 बजे से आंधी आ रही है और अभी तक बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है। अब मैं शीशा भी नहीं नीचे कर सकती और लेकिन बहुत तेज़ हवा, और इवन के मैंने स्टेयर्स बहुत मुश्किल से नीचे उतरी थी क्योंकि हवा से मैं इधर उधर हो रही थी। ऊपर से मैंने आयरा को भी उठाया हुआ था और अपना बैग भी पकड़ा हुआ था। तो अब बस हम और मैक्सिमम 10 मिनट्स के अंदर अंदर हम लोग घर होंगे, और फिर घर जाके मैंने आयरा को सुलाना है, फिर बाद में मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। जी तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और रात को फिर हम लोग बस आकर सो गए थे और अभी नाश्ता वगैरह किया है। तो अब जो है ना, एक हमारा पार्सल आया है जो जवाद ने मेरे लिए ऑनलाइन कोई स्लीपर्स देखे थे तो उनको पसंद आए थे मेरे लिए, तो वो उन्होंने ऑर्डर किए हैं। तो मैंने कहा चलो उसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ और साथ में ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ अपना। तो चले आए उसको अनबॉक्स करते हैं। बहुत अच्छी है ये, तो वो है और ये खराब भी नहीं होगा। फोर्टी वन साइज है और फिर भी मुझे पूरा पूरा है ये, क्यों? क्योंकि इसका स्टाइल ऐसा है ना, थोड़ा टाइट टाइट है ये। अभी पहनूंगी, वॉक वगैरह करूंगी, खुला हो जाएगा। जी तो ये मैंने 2 दिन के लिए डाइट स्टार्ट की थी, जो कि मैंने सोचा था कि बहुत लंबी डाइट चलेगी मेरी दोबारा से, लेकिन ये सिर्फ 2 दिन की थी। मैं ये वाला खाना बना रही थी, उसके बाद एकदम हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं व्लॉग के, और ये हम लोग पहुंच गए थे बहरिया टाउन, और हम लोग बहरिया टाउन गए, वहाँ से हमने डे चेकअप प्लान बनाया, और ये हम लोग वहाँ पर कोई चाय थी, जोगीस के नाम से कैफ़े था, ये हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे डिनर के बाद चाय पीने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। और इसकी वाइब बहुत अच्छी थी, बहुत एक तो खामोशी थी, कोई था भी नहीं, और ये देखे ना सज्जन बेपरवाह और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, क्या क्या क्यूटेशंस कोट की हुई थी इन्होंने, और ये इनकी ब्राउनी बहुत मज़े की थी, चाय भी बहुत ही अच्छी थी, जैसे घर की चाय होती ना अच्छी सी बनी हुई, बिल्कुल वैसे चाय थी, और हम लोगों ने इन्जॉय किया। और वाकई इन्होंने अपनी क्यूटेशन में लिखा भी हुआ था कि लोग कहते हैं कि घर वाला खाना है। अस्सलाम वालेकुम। सो आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपना कंटिन्यू कर रही हूँ, और हम लोग आए हुए हैं कल के बहरिया टाउन। तो अब मौका मिला है कि मैं व्लॉग शूट कर सकूँ क्योंकि मुझे नया व्लॉग एडिट करना है, लगाना है उसको। तो हम लोग अभी लेके जा रहे हैं आयरा को, क्योंकि आयरा बहुत ज़्यादा बोर हो रही, क्योंकि आयरा के यहाँ पर टॉयज़ वगैरह नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चा भी नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर 1-2 दिन और हैं, तो मैंने सोचा कि आयरा बोर हो रही है और इसने रोज़ बाहर तो जाना होता है, तो मैंने कहा इसके लिए साथ कुछ जाकर हम लोग देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। तो इसके लिए कुछ ना ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो इसकी एक्टिविटीज़ जो ये घर में रहे और घर में रह के ये वो उनके साथ खेले। तो अभी मैं देखती हूँ इसके एज के हिसाब से, एज ग्रुप में, इसके एज ग्रुप में कौन सी चीज़ें आती हैं। और अभी हम शायद कहाँ जा रहे हैं, इम्तियाज़। हाँ, इम्तियाज़ में देखते हैं, वहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगी, क्योंकि बहरिया में अभी हमें इतना नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह है, और ना हमें इतने रास्ते इसके पता है। तो इम्तियाज़ की तो डायरेक्ट हम लोकेशन लगा लेंगे और चले जाएंगे। तो चले मिलते हैं। सो अभी हम लोग गुजर रहे हैं यहाँ से, ये कौन सा एरिया बहरिया का,
बैक साइड है कोई, हाँ ग्रैंड मॉस की, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घने दरख्त है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे ये वाली साइड अभी पूरी खाली है बहरिया की बनने वाली, लेकिन ये कुछ नाला टाइप जगह लग रही है मुझे, है ना साइड पे कुछ एरिया बहरिया के पास है, कुछ एरिया जी। तो हम लोग आ गए हैं इम्तियाज, और अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई पार्किंग मिल जाए, तो फिर हम जाएंगे अंदर। पार्किंग हमें मिलनी थी वो इसने ले ली है, कल भी ऐसे ही हुआ था, हम लोग जब बाहर गए थे और सोचो रूल तोड़ के ना पार्किंग लिया इसने, अब यहाँ पे ऐसे ही होगा, कोई चक्कर नहीं है, लॉज चक्कर ना, बदमाशी जो थोड़े बहुत लॉज थे भी, अब तो वो भी नहीं रहेंगे मेरे ख्याल से। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये तो सबको ही पता होगा। खैर हम लोग यहाँ आ गए हैं इम्तियाज मेगा में, और बस अब हमें पार्किंग मिल जाए तो फिर हम जाएंगे वहाँ से एंट्रेंस से। ये मिल गया ये पार्किंग हमारी लगवाते का, ये गाड़ी निकल रही है और यहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क कर लेंगे। चलो आयरा मैं आपको शूज़ पहना दूँ, सैंडल्स पहने, सैंडल्स पहने, ओके ओके ओके। यहाँ पे आयरा की एज का कुछ भी नहीं मिल रहा, सब ऑलमोस्ट 3+ के लिए है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है अगर तो, लेकिन ये आयरा इसके साथ नहीं खेलती, ये कराची में रहान के पास थे ना तो ये इसको नहीं पसंद। तो आयरा को पसंद आया है ये स्टेयरिंग व्हील, क्योंकि आयरा को ड्राइविंग का बहुत शौक है, और इसको हमने ये लेकर दिया है, और आयरा ने अपनी मर्जी का एक पिलो भी लिया जो इसके नीचे है। जी तो ये इम्तियाज़ से हम लोग जब वापसी कर रहे थे, तो घर के पास जब गाड़ी रुकी तो मुझे चाँद नज़र आया, और ये नए महीने का चाँद था, ज़िलकत शुरू हो चुका हुआ है, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मैं तो आसमान खूबसूरत हो और चाँद निकला हुआ हो तो मैं तो उसको लाजमी हमेशा कैप्चर करती हूँ, तो बस ये मैं गाड़ी से उतरने से पहले यही कर रही थी। आयरा आपका ये है, आपके स्लीपर्स ये हैं। जी तो उससे नेक्स्ट डे हम लोग आयरा को ले गए थे लेक सिटी ट्रैम्पलिन के लिए, और मुझे लगा था कि आयरा जब 1 ईयर की थी तो उसने बहुत इन्जॉय किया था, 1.5 की है तो अब तो मज़ीद इन्जॉय करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आयरा उस बाउंसिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डर रही थी, जैसे ये पीछे लड़का कर रहा है ना, बच्चा बाउंसिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, आयरा नहीं खुश हो रही थी उससे, और जस्ट उसने बॉल के साथ ऐसे खेला और सारे पैसे बर्बाद। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई, मैंने फ्राइज़ खाने थे, और क्योंकि वो हमारे इस डील में थे, और जवाब को मैंने भेज दिया कि आप जाके देखें आयरा अगर खेल लेती आपके साथ या आपसे वो थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए, मतलब इस तरफ ट्रैम्पोलिन की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने सुकून से बैठ के हमने 1 घंटा वहाँ बैठे और ये फ्राइज़ इन्जॉय किए, और ये शायद इसी दिन की रात थी या नेक्स्ट डे था, तो हम लोग आयरा को पार्क लेके गए, मतलब ऐसे ही पार्क के इर्द गिर्द हमने राउंड लगाया उसको, बल्कि एक झूला भी दिया हमने पार्क में, और ये आयरा वॉक करते हुए एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैंने मज़ीद कुछ शूट नहीं किया, और हम लोग फिर अचानक ही वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि आयरा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मेरे वॉइस ओवर से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे बहुत फ्लू हुआ है इस टाइम पर, तो इसलिए हम लोग बहरिया से फिर वापस आ गए। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट एंड Don't forget to subscribe. Bye-bye.